हेलो फ्रेंड्स, लव एंड अदर ड्रग्स ये 2010 की रोमांटिक मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में हमारा मेन कैरेक्टर जेमी जो लव पर बिलीव नहीं करता, जब एक लड़की से वो मिलता है जिसका नाम होता है मैगी, उसके पैर में पड़ जाता है। मूवी की स्टोरी लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, पर इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही अलग है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जेमी हम देखते हैं। जेमी एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। अगर हम जेमी के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जेमी एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर होता है। किसी भी लड़की से बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर सकता है और उसके साथ सिर्फ इसे सोना ही होता है। इसके बात करने की टेक्निक ये इस सेलिंग में भी यूज़ करता है और बहुत सारी चीज़ें सेल कर देता है। ये जिस स्टोर में काम करता है तो उस स्टोर ओनर की एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे बात करने लग जाता है। जेमी और ये एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और इन दोनों में इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाता है। ये डायरेक्टली स्टोर के पीछे जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये लड़की डर रही होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यही है। तभी इसका मोबाइल ऑन हो जाता है और इसके बॉयफ्रेंड को ही कॉल लग जाता है। स्टोर ओनर यानी कि बॉयफ्रेंड ये सब सुनता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जेमी को मारता है और फिर उसे भगा देता है। जेमी को अब कुछ भी जॉब नहीं है। आज रात उसकी फैमिली डिनर होने वाला है। जेमी की फैमिली हम देखते हैं तो उसके एक सिस्टर, उसका एक ब्रदर और उसके पेरेंट्स होते हैं। इसका छोटा भाई एक मिलीनियर है। उसका लक अच्छा था तो इसका आइडिया चल गया और एक मिलीनियर बन गया। इसकी सिस्टर भी डॉक्टर है, पर जेमी ने ही कुछ अच्छा अपनी लाइफ के साथ नहीं किया है। इनकी फैमिली एक टिपिकल डिसफंक्शनल फैमिली होती है जिनकी एक दूसरे से बनती नहीं। डिनर टेबल पर जब ये होते हैं तो जेमी को उसके जॉब के बारे में वो सब पूछते हैं। जेमी के ब्रदर को पता होता है कि जेमी का जॉब चला गया और उसका रीजन भी उसे पता होता है, तो इसकी वजह से वो हंसने लग जाता है। सब जेमी के लिए वरी करते हैं कि अब वो क्या करेगा। जेमी का ब्रदर कहता है कि वो ड्रग रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, यानी कि डॉक्टर को जाकर मेडिसिन के सैंपल देने वाले जो लोग होते हैं इन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। यही वो जेमी को बनने के लिए कह रहा होता है क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत सारे पैसे होते हैं। जेमी के ब्रदर का नाम होता है जॉश। तो जॉश अपने कनेक्शंस यूज कर जेमी को जॉब दिलवा देता है। एक फाइजर नाम की कंपनी में जेमी को इंटर्नशिप लग जाती है। यहाँ पर सेलिंग कैसे करनी है यह सब उसे सिखाया जाता है। जेमी इंटेलिजेंट होता है तो जल्दी जल्दी सब सीख जाता है। वह उसे सिखाने वाली उसकी बॉस होती है। इसके साथ भी वो इंटीमेट हो जाता है। जेमी जब उसके बॉस के साथ बेड पर होता है तो कुछ सोच रहा होता है। उसकी बॉस पूछती है कि तुम सोच क्या रहे हो। जेमी कहता है ये मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि जेमी कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। ये बहुत ही प्रैक्टिकल कैरेक्टर हम यहाँ देखते हैं। अब जेमी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है और उसके बॉस यानी कि ब्रूस के लिए काम करने वाला होता है। ये दोनों अलग अलग जगह जाकर डॉक्टर को सैंपल देने वाले होते हैं। उसका बॉस उसे गाड़ी में समझाता है कि तुम्हारा जो कोटा है यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारा कोटा कंप्लीट करना है यानी कि तुम्हें प्रमोशन मिल सके। उसके बॉस उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। जेमी को डॉक्टर के पीछे हॉस्पिटल में जाना अलाउड नहीं है, तो जब डॉक्टर पार्किंग लॉट में ही होते हैं तभी उनके पीछे पीछे इसे भागना पड़ता है। एक सीन में हम देखते हैं कि जेमी और ब्रूस अपने ऑफिस में होते हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की उसे दिखती है। जेमी उस लड़की को एक अलग ही नाम से पुकारता है, इसका नाम उसे पता नहीं होता। तो उसका बॉस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेमी कहता है कि अगर मैं उसे अलग नाम से पुकारूंगा तो मुझ में इंटरेस्टेड हो जाएगी। वो जब मुझसे बात करेगी तो मैं कहूंगा कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम वो था, मैं हर्ट हूँ इसीलिए मुझसे वो अट्रैक्टेड हो सकती है। लड़कियों को पाने के लिए जेमी की अलग अलग ट्रिक्स होती है। इसका बॉस भी ये सुनकर इम्प्रेस्ड होता है। इसके बाद जेमी और ब्रूस एक डॉक्टर के पास आते हैं। ये डॉक्टर उन्हें मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी कंपनी की गोली ये डॉक्टर लिखने लग गया तो सब डॉक्टर यही लिखेंगे। इन्हें बहुत सारा फायदा इससे हो सकता है और इनके कोटा भी जल्दी से खत्म हो सकते हैं, तो इसी वजह से इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब ये डॉक्टर का वेट करते हैं तो डॉक्टर इन्हें इग्नोर कर देते हैं। जेमी अपने बॉस से पूछता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसका बॉस कहता है कि अगर हमने सही से कोटा कंप्लीट कर दिया तो हम शिकागो जाएंगे, एक्चुअल पैसे शिकागो में ही हमें मिलने वाले हैं। जेमी भी कॉम्पिटिटिव होता है तो इस काम के लिए वो लग जाता है। जेमी फिर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, वो अपॉइंटमेंट की डेट पूछता है। ये 4 वीक बात होती है। जेमी कहता है कि तुम मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाओगी, जब तक तुम हाँ नहीं कह देती तब तक मैं यही रुकूंगा। ये पूछते कि तुम बोल क्या रहे हो। जेमी कहता है कि मुझे सैंपल छोड़कर जाने हैं, पर उस जगह छोड़ने हैं जहाँ पर डॉक्टर देख सके। जेमी औरतों के साथ अच्छे से बात कर सकता है और परसिस्टेंट होता है, तो रिसेप्शनिस्ट भी मान जाती है। इस हॉस्पिटल में और एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है सिंडी। सिंडी भी जेमी से इम्प्रेस्ड हो जाती है। जेमी जब अपने मेडिसिन रखने के लिए जाता है तो उसके कंपटीशन के सैंपल सब कुछ अपने बैग में रख देता है। बाहर जाकर ये डस्टबिन में फेंक आता है। जेमी अपने ऑफिस में उस लड़की से मिलता है जिसे वो अलग नाम से पुकारता था। ये लड़की उसे कहती है ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलने वाली। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। ये कहती है कि मैं किसी भी सेल्समैन को डेट नहीं करने वाली, मैं इस प्रोफेशन में हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर को डेट करना है। जेमी भी इससे इम्प्रेस्ड होता है।
जिमी और उसका बॉस जहाँ पर डॉक्टर जिस बार में आते हैं उसी बार में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर और एक कैरेक्टर हमें दिखता है जिसका नाम होता है ड्रे। जेमी का बॉस जेमी को कहता है कि जो ड्रे है ये हमारी कंपटीशन है, ये हमारी कंट्री में टॉप 10 सेल्समैन में से एक है। ड्रे ने हर डॉक्टर को कन्विंस कर लिया आता है कि उसकी ही कंपनी का ड्रग उन्हें देना है। जेमी के बॉस का कोटा सिर्फ ड्रे की वजह से ही नहीं हो रहा। जेमी फिर नेक्स्ट दिन डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाता है, उसे $1000 दे देता है। डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम मुझे ब्राइब करना चाहते हो। जेमी कहता है कि मेरी कंपनी सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है, इसी वजह से हम सब डॉक्टर्स को $1000 दे रहे हैं। डॉक्टर लीगली कुछ ट्रबल में ना आए इसीलिए कुछ भी स्टोरी बना देता है। डॉक्टर भी बहुत ही लालची होता है और अब जेमी की बात सुनने के लिए वो रेडी हो जाता है। जेमी भी एज ए इंटर्न डॉक्टर के पीछे पीछे भागता है। अब डॉक्टर जिस पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं उसका नाम होता है मैगी। मैगी को पार्किंसन होता है। पार्किंसन्स यानी कि नर्व्स का एक डिसीज होता है जिसमें नर्व्स काम नहीं करते और उसके बाद मूवमेंट भी करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मैगी यंग है और यंग लोगों में नहीं होता, पर फिर भी उसको ये डिसीज है। जेम्स जब मैगी को देखता है तो इंस्टेंटली उसे वो पसंद आ जाती है। मैगी को और एक प्रॉब्लम होती है, उसे लगता है कि उसके ब्रेस्ट पर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर कहते हैं कि स्पाइडर बाइट है। जेमी ये सब देखकर मजे ले रहा होता है। जब ये कंसल्टेशन खत्म हो जाता है और जेमी बाहर आता है तो मैगी उसके पास आती है और उसे बैग मारती है। मैगी कहती है कि तुम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम क्यों वहां थे। उसे वो सॉरी कहने के लिए कहती है। मैगी उसकी बीमारी की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलती है और जनरली डॉक्टर रूड होते हैं तो इन पर वो चिढ़ गई होती है। इस बार मेडिकल कम्युनिटी से कोई तो उसे सॉरी बोले ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है और जेमी भी सॉरी बोल देता है। जेमी फिर उसका नाम पूछता है। मैगी कहती है स्ट्रांग आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज इससे तुम अच्छे सेल्समैन हो ही। उस पर अभी भी चिड़ी हुई होती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते जेमी का एक फोटो भी लेकर जाती है। जेमी को मैगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हॉस्पिटल में काम करने वाली सिंडी ये जेमी से अट्रैक्टेड है तो जेमी उसे कॉल करता है, उसे कुछ बहाना बना देता है और नंबर वो ले लेता है। जेमी जब घर पर आता है तो उसका ब्रदर वहाँ आया हुआ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बाहर निकाल दिया है। इसका ब्रदर एक पॉन एडिक्ट बन चुका है तो इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बाहर निकाल दिया। इसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो जेमी के पास ही अब रहने वाला है। मैगी पूछती है कि तुम्हें ये नंबर कैसे मिला, पर वो फिगर आउट कर लेती है कि रिसेप्शनिस्ट से उसे नंबर मिल गया होगा। जेमी उसे बोलता है कि प्लीज मेरे साथ एक कॉफी पर चलो। मैगी इसके लिए मना कर रही होती है पर जेमी बहुत ही इंसिस्टिंग होता है। मैगी को पता है कि जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी तब तक ये पूछता ही रहेगा, इसी वजह से अब वो मान जाती है। इसके बाद हमें इन दोनों की डायरेक्टली डेट दिखाई गई है। मैगी जिस कैफे में काम करती है यहीं पर वो जेमी को बुलाती है। ये दोनों बैठते हैं और जेमी कहता है कि तुम्हारी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैगी तुरंत पहचान जाती है कि इसकी ये ट्रिक है। मैगी उससे पूछती है कि क्या हर लड़की पर ये चल जाता है। जेमी कहता है कि सचमुच में वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैगी इस कन्वर्सेशन से बोर हो जाती है। वो कहती है कि हम इधर उधर की बातें करेंगे, एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं सब प्रिटेंड करेंगे और उसके बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाएंगे, तो क्यों ना हम टाइम बचाते हैं, डायरेक्टली मेरे अपार्टमेंट पर चलते हैं। जेमी बिलीव नहीं करता कि ये हो क्या रहा है। मैगी सीरियस होती है तो डायरेक्टली अपार्टमेंट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मैगी को भी कोई भी रिलेशनशिप रखना अच्छा नहीं लगता तो इन दोनों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। इसी तरीके से बार बार वो मिलने लग जाते हैं। एक बार ऐसे ही जेमी के घर पर मैगी आ जाती है और सब कपड़े निकाल देती है, पर उसे पता ही नहीं होता कि जेमी का ब्रदर यहाँ है। ये बहुत ही ऑकवर्ड और फनी सीन हम यहाँ देखते हैं। जब मैगी और जेमी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं तो अपने चाइल्ड हुड के बारे में जेमी बात करने लग जाता है। जेमी की बातों से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसे बायोलॉजी बहुत ही पसंद थी, पर जेमी कहता है कि उसके फादर को हेट करता था। उसके फादर को जेमी को बहुत ही सक्सेसफुल देखना था पर जेमी होने नहीं दे सकता था। मैगी इस स्टोरी पर भी बिलीव नहीं करती। वो कहती है क्या लड़कियों को यह स्टोरी पसंद आती है, क्या तुम इसी तरीके से लड़कियों की सिंपति लेते हो। इसके बाद जेमी सीरियस हो जाता है। वो मैगी से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। मैगी भी सीरियस हो जाती है। वो कहती है जैसा चल रहा है वैसे तुम चलने दो, मुझे कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमी के पास ट्रे जाता है। ये वही सेल्समैन है जो उसकी कंपटीशन है। ये जोर से इसके पेट में घुसा मारता है। हमें पता है कि जेमी उसके कंपटीशन के सब मेडिसिन डस्टबिन में डाल देता था। ये बात ट्रे को पता चली है और ट्रे उसे बहुत मारता है। ट्रे को मैगी और जेमी के बारे में पता है तो उसे वो सलाह देकर जाता है कि मैगी से तुम दूर भागो, वो सही लड़की नहीं है। जो मेडिसिन जेमी डस्टबिन में फेंकता था वो एंटी डिप्रेसेंट थी। ये मेडिसिन एक भिखारी लेने लग गया था और इसके बाद अब वो जॉब इंटरव्यू पे जाने वाला है। इसके बाद हमें दिखता है कि जेमी मैगी के लिए फूड लेकर आता है। मैगी सरप्राइज होती है। ये दोनों खाना वगैरह खाते हैं और जेमी उससे बात कर रहा होता है। मैगी उससे पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
मैंने तुम्हें बताया है कि हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैंने एक बार रिलेशनशिप में रहने का ट्राई किया था पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। मैं को लगता है कि उसकी कंडीशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें अब कर नहीं पाएगी। इसी वजह से कोई भी उसके साथ सही से रह नहीं पाएगा और वो किसी को भी डिजर्व नहीं करती। उसकी लास्ट रिलेशनशिप यानी कि ट्रे के साथ जब वो थी तो यही एक प्रॉब्लम आया था। उनमें बहुत बड़ी फाइट हो चुकी थी, इसी वजह से ब्रेकअप भी हो गया। ये सब चीज़ें वो जेमी को बताती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं पर जेमी आज कुछ कर नहीं पाता। वो एक्चुअल में मैगी को लाइक करने लग गया है और उनकी जो रिलेशनशिप है सिर्फ फिजिकल ये उसे अब नहीं चाहिए। मैगी भी उसे समझ लेती है और मैगी कहती है कि हम अब बात कर सकते हैं। ये फिर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में मैगी कहती है कि तुम्हारी कंपनी वायग्रा इंट्रोड्यूस कराने वाली है। ये आदमियों का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का एक ड्रग है। ये बहुत सारी बातें करते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। जेमी जब जा रहा होता है तो मैगी फिर से उसे कहती है कि मुझे कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमने जो बातें की है ये लास्ट बार हम करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमी जब अपने बॉस के पास होता है तो अपने बॉस को वो कहता है कि जो न्यू ड्रग हमारी कंपनी लॉन्च करने वाली है वो मुझे चाहिए। जेमी बोलता है कि वो ड्रग सेल करने के लिए मैं ही बेस्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा फास्ट कोई भी ये सेल नहीं कर पाएगा। उसका बॉस भी ये देने के लिए उसे मान जाता है। इसके बाद जेमी और उसका बॉस बार में आते हैं। इस बार में डॉक्टर और ट्रे भी होता है। जेमी डॉक्टर के पास आ जाता है और उससे बात करने लग जाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि जेमी और मैगी में रिलेशनशिप है। डॉक्टर को मैगी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। जेमी कहता है कि इसमें बुरा लगने जैसा क्या है, वो अच्छे से मेडिसिन वगैरह लेगी तो सही से वो जी सकती है। यहाँ पर ट्रे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है पर यह सब पॉसिबल नहीं है। जेमी और ट्रे इन दोनों में फाइट अभी होने वाली है पर ट्रे वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो डॉक्टर है एक टर्की डॉक्टर होता है। डॉक्टर को गर्लफ्रेंड दिलवाने के लिए जेमी ने अगर हेल्प की तो डॉक्टर भी उसके मेडिसिन लिखने वाला होता है। जेमी इस पे एक्सपर्ट है तो डॉक्टर को हेल्प कर देता है। रात में जेमी फिर से मैगी को कॉल करता है, उसे वो बात करना चाहता है। मैगी पूछती है क्यों तुमने मुझे कॉल किया है। जेमी कहता है कि तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत ही पसंद है। मैगी को ये नहीं चाहिए तो फोन रख देती है। जेमी का ब्रदर ये सब सुन रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें मना कर रही है इसी वजह से तुम उसके साथ रिलेशनशिप चाहते हो। जेमी नेक्स्ट दिन मैगी के पास जाता है। वो कुछ ओल्ड लोगों को अलग हॉस्पिटल में लेकर जा रही होती है। वो 2 दिनों के लिए शहर से बाहर रहेगी और रात में भी लेट आएगी। मैगी उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। जेमी फिर 2 दिनों बाद रात में आता है और रात में अपनी गाड़ी में ही रुकता है। वो कंटिन्यूसली मैगी का वेट करता है। सुबह हो जाती है तब मैगी आती है। मैगी रियलाइज करती है कि रात भर यही था। मैगी कहती है कि हम अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो हम अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे से नहीं मिलवाएंगे, हम हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे क्योंकि इसके बाद लोग हर्ट हो जाते हैं। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं कभी भी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। जेमी इन सब के लिए मान जाता है और एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। अब जेमी को न्यू मेडिसिन का अकाउंट भी मिल चुका है तो बहुत ही खुश होता है, बहुत अच्छे से सेल करता है और टॉप सेल्समैन ये भी बन जाता है। जेमी और मैगी की रिलेशनशिप भी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होती है। बेडरूम में भी एक दूसरे को टेप करते हैं। एक दिन मैगी के साथ जेमी होता है और अपनी मदर से बात कर रहा होता है। अपनी मदर को कहता है कि 20,000 टैबलेट्स मैंने सोल्व कर दी है। मैगी को पता होता है कि सिर्फ 12,000 थी तो फोन रख देने के बाद मैगी उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा। जेमी कहता है कि मेरी मदर के सामने मुझे सिर्फ अच्छा साउंड करना था इसीलिए मैं कर रहा था। मैगी पूछती है कि और क्या तुमने झूठ बोला है। मैगी जेमी को फिगर आउट कर लेती है। वो कहती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम अपने गोल के लिए बहुत सारे काम करते हो, तुम स्मार्ट हो, तुम इंटेलिजेंट हो पर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, तुम कितने अच्छे हो ये तुम्हें खुद को नहीं पता है। वो जेमी को कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वो एक अच्छा आदमी है। एक दिन जेमी पार्टी में जाता है। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है पर यहाँ वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअल में मैगी से प्यार करने लग गया है। वो रात में मैगी के पास आता है, उसे किस करता है, उससे वो बात करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता, उसे सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। मैगी भी उसके लिए डर जाती है। ये इसी पेन में उसे बोल देता है कि उसे बहुत प्यार करता है। मैगी भी उसे हक करती है। अब हम देखते हैं कि थोड़े दिन गुजर चुके हैं। मैगी का डिसीज और भी बढ़ने लग चुका है। उसके हाथ बीच बीच में थरथराने लगते हैं। वो सही से कुछ काम कर नहीं पाती। एक दिन उसके मेडिसिन सब खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही डिप्रेस महसूस करती है। रात में जब जेमी घर पर आता है तो मैगी कहती है मेरे साथ तुम क्यों रहना चाहते हो, क्या तुम्हें नॉर्मल गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो तुम्हारे साथ कहीं जा सके, कुछ चीज़ें कर सके। मैगी को लगता है कि उसे डिसीज है, इसी वजह से जेमी उसके साथ रह रहा है। जेमी भी इस पर चिढ़ जाता है और वहाँ से निकल रहा होता है। तभी मैगी अपना ग्लास नीचे फेंक देती है। जेमी बाहर चला गया होता है पर फिर भी आवाज़ सुनकर अंदर आ जाता है।
मैगी को हग करता है क्योंकि उसे सहारे की ज़रूरत होती है मैगी की कंडीशन ठीक हो सके, इसीलिए अच्छे से ड्रग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। पर जेमी इसके लिए पूरे एफर्ट अब डालने वाला है। जेमी की एक जगह पर कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है, यहाँ भी वो मैगी को लेकर जाता है। इसी कॉन्फ्रेंस में मैगी को कुछ लोग मिलते हैं जिनको भी उसकी तरह ही बीमारी होती है। इनका एक स्पेशल क्लब होता है जहाँ वो जाकर एक दूसरे से बात करते हैं। मैगी जब वहाँ जाती है तो सब लोग उसकी बीमारी के बारे में खुलकर बात कर रहे होते हैं। ये भी उसकी तरह ही है और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। ये देखकर उसे मोटिवेशन मिलती है। उसे जो लगता था कि वो अकेले ही है, अब वो उसे नहीं लग रहा, वो भी अच्छे से लाइफ जी सकती है, इसके लिए वो होपफुल है। जेमी को भी टेक्स्ट मैसेज कर कर वो यहाँ बुला लेती है। जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो जेमी एक आदमी से बात करता है। इस आदमी की वाइफ भी इसी डिसीज से जूझ रही है। जेमी इस आदमी को उसकी वाइफ के बारे में पूछता है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप कैसी है। यह आदमी बोलता है कि क्या तुम्हारी वाइफ को भी है। जेमी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को है। यह आदमी जेमी को सलाह देता है कि इस रिलेशनशिप को तुम एंड कर दो, यह बीमारी बहुत ही घटिया है। तुम किसी भी लड़की से प्यार करते हो तो उसकी कुछ क्वालिटीज के लिए करते हो, पर यह सब क्वालिटी उस लड़की से ये छीन लेती है। यह आदमी कहता है कि मैं मेरी वाइफ से प्यार करता हूँ, पर फिर से दोबारा मैं ये सब नहीं करना चाहूंगा। जेमी ये सब सुनकर डर जाता है। अब ये ठान लेता है कि कुछ भी करेगा पर मैगी को क्यूर करके रहेगा। मैगी के लिए वो रिसर्च करता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स देखता है, बहुत सारी टेस्ट मैगी और वो जाकर करवा कर आते हैं। जेमी अपने जॉब में बहुत ही आगे चला गया था, पर वो अपने जॉब में भी अब जरा पीछे आ रहा है। मैगी भी अलग अलग हॉस्पिटल में जाने से अब चिढ़ जाती है। वो अब जेमी से बात करती है। वो कहती है कि यह सब तुम क्यों कर रहे हो, मेरी बीमारी के साथ भी मैं रह सकती हूँ, इतना बड़ा ये इशू नहीं है। वो फिर रियलाइज करती है। जेमी से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरी बीमारी ठीक होगी तभी तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। जेमी कुछ भी बोलता नहीं, ये समझ जाती है कि यही रीजन था। जेमी से अब वो ब्रेकअप कर लेती है। जेमी फिर से अपने करियर में ट्रैक में आ जाता है। सब टारगेट्स वगैरह वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करता है तो उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। अब वो नई जगह प्रमोशन के लिए जाने वाला है। इसके बाद जेमी अपने बॉस के साथ एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए आता है। यहाँ पर उसे फिर से मैगी मिलती है। मैगी एक दूसरे आदमी के साथ होती है। जेमी उसे बात करना चाहता है पर मैगी वहां से निकल जाती है। फिर जेम्स अपने जब बॉस से बात करता है तो सिर्फ जेम्स को प्रमोशन मिला होता है, उसके बॉस को प्रमोशन नहीं मिलता। जेमी को यह सिस्टम बहुत ही गलत लगता है। अब जेमी प्रमोशन के लिए नई सिटी में जाने वाला है तो सब पैकिंग वगैरह कर रहा होता है। हमने देखा है कि जेमी और मैगी एक दूसरे को टेप करते थे तो ये टेप्स उसे मिल जाती है। एक वीडियो चलाता है जिसमें मैगी बहुत ही खुश होती है। जेमी जब पूछता है तो ये कहती है कि ये जो मोमेंट है ये मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा एक मोमेंट हो या हजार, पर अभी जो चल रहा है यही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेमी अब रियलाइज करता है कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैगी के साथ जो भी पल वो गुजार सके वो उसे गुजारने हैं, यह मोमेंट उसका इम्पोर्टेंट है, वो फ्यूचर की नहीं सोच सकता। जेमी जल्दी से मैगी के पास जाता है। मैगी एक बस में आगे चली जाती है तो बस का पीछा करता है और बस को रोक लेता है। मैगी पूछती है, क्या ये सब कर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। जेमी कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो। जेमी कहता है कि मैं घटिया आदमी हूँ, मैंने मेरी पूरी लाइफ में किसी भी केयर नहीं की है। जब तुम मेरी लाइफ में आई तो तुमने मुझे सब कुछ चीज़ें सिखाई है। मैं जो समझता था वो मैं गलत समझता था, तुमने मुझे सही आदमी बनाया है। सब लोग मुझे जैसे देखते थे वैसे तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा, तुमने मुझे अपने आप पर बिलीव करना सिखाया है। जेमी कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें भी मेरी है। यह सब सुनकर मैगी भी रोने लग जाती है। मैगी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये फेयर नहीं है। जेमी कहता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम जो भी करेंगे वो एक साथ करेंगे, किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में हम परफेक्ट कपल हो सकते हैं, पर हम इस मोमेंट में जो है यही मुझे चाहिए, मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, हम दोनों की ही जोड़ी बेस्ट है। इसके बाद ये एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मूवी के लास्ट में जेमी हमसे कहता है कि लाइफ में हम जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी कभी हमें नहीं मिलती, पर जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उसे ज़्यादा हमें मिल जाता है। अब जेमी उसे जो प्रमोशन मिलने वाला था वो नहीं लेगा, उसे हमेशा से डॉक्टर बनना था तो इसीलिए अब वो डिग्री लेने वाला है। जेमी हमसे कहता है कि अपनी लाइफ में आप हजारों लोगों से मिलते हैं पर कोई भी आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता, और उसके बाद किसी एक से आप मिलते हैं और वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। जेमी के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी, वो अपने आप को घटिया समझता था, इसी वजह से सब गलत चीज़ें वो करता था। पर मैगी से जब वो मिला तो मैगी ने वो सचमुच में अच्छा आदमी है ये उसे रियलाइज कर दिया। इसके बाद इसकी लाइफ सही हो गई
और मैगी के साथ उसे जो प्रॉब्लम्स थे उसे भी उसने सॉल्व कर दिया, और इसके बाद एक दूसरे को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हैप्पी एंडिंग इस मूवी की हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।